यतीश जी, 106 घंटे का रिकॉर्ड, 90 घंटे का रिकॉर्ड तोड़ने के बाद आपने बनाया है, कितनी मेहनत करनी पड़ी, क्या अनुभव रहा पूरे? जो भी लॉन्गेस्ट रिकॉर्ड होते हैं, जो मैराथन इवेंट्स होती हैं, वो निश्चित रूप से आत्मबल की इसमें आवश्यकता होती है। इसके पहले मैं 148 आवर कर चुका था, 123 आवर कर चुका था। तो जब तक इच्छा शक्ति काम करती है, जब तक अंदर विश्वास कायम करता है, तभी तक चीजें होती हैं। क्या पूरा जो उद्देश्य था आप कर रहे थे छात्रों को एक प्रेरित करने का आपका? हाँ, निश्चित रूप से जो मैं माहौल देख रहा हूँ लखीमपुर में, अभी जो माहौल है, आप पीछे भी माहौल को देख सकते हैं, बच्चों के अंदर जो आत्मबल हमारे चेहरे पर दिखाई पड़ रहा है थकान, लेकिन बच्चों के चेहरे पर एक आत्मबल दिखाई पड़ रहा है। मेरा कार्यक्रम था, एक भाषण था जो 70 विषयों में बोला, 70 के आसपास विषयों में बोला। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ मोटिवेट करना था। वो एक रिकॉर्ड बन गया, वो अलग बात है। गवर्नमेंट को उन सब कामों को, रिकॉर्ड तो अच्छे बनते हैं, रिकॉर्ड कई प्रकार के बनते हैं, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो समाज को कुछ योगदान दे सकते हैं, उनका उपयोग करना चाहिए। 3 रिकॉर्ड आप वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हो, अगला कदम कोई सोचा है, कुछ प्लान किया है भाई? निश्चित रूप से अभी आज तो मैं खाली हूँ, बहुत खाली महसूस कर रहा हूँ कि कोई काम नहीं है। तो आज शाम तक मैं सोच लूंगा कुछ ना कुछ कि अगला जो मेरा गोल है, लक्ष्य, वो क्या है। ईटीवी की तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको। आप ये रिकॉर्ड तो आपने बनाया है, अगला रिकॉर्ड भी आप ब्रेक करें। लखीमपुर खीरी से प्रशांत पांडे, ईटीवी भारत के लिए।